मसीह में मेरे प्रिय श्रोताओं, एक बार डूबते हुए सूरज ने एक छोटी सी ज्योति से पूछा, क्या तुम मेरे डूबने के बाद इस दुनिया को मुझ जैसे प्रकाश दे सकती है? छोटी सी ज्योति ने उत्तर दिया, हे प्राण दादा, उतना तो नहीं, लेकिन मुझसे जितना हो सकता है उतना मैं जरूर दूंगी। हम सब जानते हैं कि अंधकार और प्रकाश में क्या फर्क है। प्रकाश का महत्व और लक्ष्य के बारे में हम सब जानते हैं, और आज के समाचार द्वारा प्रभु ईसा मसीह हमें बताते हैं कि मैं संसार की ज्योति हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। प्रकाश का सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि अंधकार को हटाकर प्रकाश फैलाना और उसके साथ सभी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से दिखाई देना। और आज प्रभु ईसा मसीह प्रकाश और अंधकार के माध्यम से हमें अपना बपतिस्मा का याद दिलाता है। शायद आपको याद होगा, बपतिस्मा के समय मैं संसार की ज्योति हूँ एक प्रार्थना दोहराते हुए पुरोहित ने अपने हाथों में मोमबत्ती जला कर दिए। एक मोमबत्ती एक मसीही शिष्य का जीवन इस दुनिया में किस प्रकार प्रकाशमान होना चाहिए उसको दर्शाता है। लेकिन कभी कभी हमारी ज्योति बुझ जाती है। अक्सर पाप करने के कारण हमारी ज्योति की बत्ती टूट जाती है और हम अंधकार में जीना शुरू करते हैं। लेकिन मैं इच्छा और प्रार्थना करता हूँ कि एक उपवास काल हम सबों को हमारे बुझ गए प्रकाश के बत्ती को दोबारे जलाने का अवसर बने। प्रकाश का दूसरा लक्ष्य यह है कि प्रकाश सबों की जिंदगी में खुशी एवं सुरक्षा की अनुभूति प्रदान करता है। यदि प्रभु यीशु ने यह कहा है कि मैं संसार की ज्योति हूँ, तो वह सचमुच में ज्योति थे। उनके सार्वजनिक जीवन काल में वह इस ज्योति के अनुरूप क्रियाशील थे। अनेक रोगियों को चंगाई प्रदान की, अंधों को दृष्टिदान दिया, बधिरों को बुद्धि प्रदान की, बहरों को सुनने को दिया, भूखों को खिलाया, प्यासों को पिलाया, दलितों का उद्धार किया। इसलिए वह हिम्मत के साथ कह सहे कि मैं संसार की ज्योति हूँ। हम हरेक जन को यह सोचना चाहिए कि क्या मेरी जिंदगी और मेरी उपस्थिति दूसरों को खुशी देती है, सुरक्षा की भावना प्रदान करते हैं। नहीं तो पीछे मोड़कर हमारे गलतियों और मनोभावों को सुधारना चाहिए। अरे उपवास काल हम सबों के लिए एक अच्छा अवसर बने। एक बार मदर तेरेसा के सेवा कार्य देखकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा, उस सादी मगला के सामने मैं बहुत छोटी और निसार हूँ। अक्सर हम सबों के मन में एक सवाल हमेशा गूंजता है कि लोग क्या कहेंगे अथवा मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, और धीरे धीरे हम अपना जीवन इस तरह बदलते हैं जिससे लोग खुश हो। लेकिन हमें अपनी सोच, अपना जीवन लोगों की नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार बदलना होगा। हमें अपने आप से एक सवाल करना होगा कि जो मैं सोचता हूँ, जो मैं करता हूँ, उससे ईश्वर की महिमा का बखान होता है या नहीं। हमारी हरेक चाहत, हमारा हरेक नया कदम उस ईश्वर के प्रकाश को दूसरों तक पहुँचाने में सक्षम बने। और विशेष रूप से इस उपवास काल में हम हमेशा सलकर्म करें, दूसरों की भलाई करें। करुणामय ईश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।